नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित सख्थ, मौजूद हैं पटना एयरपोर्ट पर। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती में उनके कार्यक्रम पर भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर आतंकी हमले की बातें निकलकर सामने आ रही थी, जिसके बाद पटना एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा है वो काफ़ी बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो CISF के जो जवान हैं लगातार देख सकते हैं किस तरीके से चेकिंग किया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर जितनी भी गाड़ियां पहुंच रही है तमाम गाड़ियों की अच्छे से चेकिंग की जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से CISF के जवान हैं हाथ में जो डॉग स्क्वाड की जो कुत्ता होती है जो डॉग होता है वो लिए हुए हैं और लगातार चेकिंग की जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी का बोनट तक भी खुलवा के पूरा अच्छे से जाँच पड़ताल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पटना एयरपोर्ट पर जो चाक चौबंद है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है, जो सुरक्षा का इंतजाम है काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, विजुअल स्क्रीन पर चल रहा है कि किस तरीके से जितनी भी तमाम जो गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं, जितने भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं ट्रॉली बैग लेकर पहुंच रहे हैं, तमाम लोगों की अच्छे से जाँच पड़ताल भी की जा रही है। जितने लोग भी पटना एयरपोर्ट पर बैठे हैं अपने अपने देख सकते हैं किस तरीके से लगातार चेकिंग की जा रही है। और जो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो लोग भी पहले से आकर बैठे हैं उनके हाथ में ट्रॉली बैग है, तमाम लोगों की एक एक करके अच्छे से CISF के जवानों के द्वारा चेकिंग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह के बिहार दौरे पर जो आतंकी हमले की जो बात निकलकर सामने आई थी, उसके बाद जो एयरपोर्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी पुख्ता कर दी गई है, काफ़ी बढ़ा दी गई है। देखिए जो लोग भी बैठे हैं अपने, देख सकते हैं किस तरीके से लगातार चेकिंग चल रहा है। जो लोग भी पहले से भी आकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की भी जितने भी लोगों के साथ जो सामान है ट्रॉली बैग है तमाम चीज़ों की अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से CISF के जवानों के द्वारा लगातार चेकिंग किया जा रहा है। और CISF के जवानों के द्वारा जो डॉग स्क्वाड है लगातार उसके द्वारा चेकिंग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर जो पटना एयरपोर्ट की जो व्यवस्था है वो काफ़ी पुख्ता कर दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो चेकिंग अभियान है वो जारी है। जितने लोग भी यहाँ पर जो भी यात्री यहाँ पर बैठे हैं तमाम लोग पहले से ही आकर बैठे हैं, हालांकि सभी लोगों की एक एक करके CISF के जवानों के द्वारा पटना एयरपोर्ट पर लगातार चेकिंग की जा रही है। जो लोग भी ट्रॉली बैग हाथ में लिए हैं बैग लिए हैं सब चेकिंग किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच रही है तमाम गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। गाड़ी का बोनट तक खुलवा के CISF के जवानों के द्वारा चेक किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो सुरक्षा व्यवस्था है पटना एयरपोर्ट की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर आतंकी हमले की बात निकलकर सामने आई थी, उसके बाद पटना एयरपोर्ट की जो व्यवस्था है वो काफ़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी पुख्ता कर दी गई है। और लगातार यहाँ पर CISF के जवानों के द्वारा जो डॉग स्क्वाड है उसके द्वारा लगातार चेकिंग अभियान भी चल रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।